Awesome! जब रिकॉर्ड करेगा तब विली नहीं मार पाएगा। एक नंबर। हेलो बॉयज़, कैसे हैं सब? बढ़िया बॉयज़, आज की राइड काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, बिकॉज हम लोग एप्रिलिया RS 457 और ड्यूक 390 की ड्रैग रेस करने वाले हैं। ये जनरली फ्रेंडली ड्रैग रेस रहेगा और हम एक ट्रैक पे कर रहे हैं, एक एरोड्रम पे कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी ट्रैफिक वगैरह कुछ भी नहीं है और काफ़ी सेफली कर रहे हैं। प्योर जैकेट, सारी सेफ्टी का हमने ध्यान रखा है। सो आप ये घर पर बिल्कुल ट्राई ना करें। और देखिए एप्रिलिया RS 457 एंड ड्यूक 390 की ड्रैग रेस, और इस ब्लॉग में काफ़ी ज़्यादा व्हीली भी है। और एप्रिलिया RS 457 आकाश भाई की है, उसकी इंस्टाग्राम आईडी मैं आपको दे दूंगा, आप उन्हें फॉलो कर ले। और ड्यूक 390 मेरी है, इसमें व्हीली भर भर के है। सो मजे का ब्लॉग होगा, एंड तक जरूर देखें। हमारे पास है ड्यूक 390 एज यूजुअल और अपाची RTR 160, और यहाँ पे हमारे पास एक नई बाइक आई है और यह है एप्रिलिया RS 457। और जी इसमें काफ़ी मस्त व्हीली होती है। अभी भाई ने उठाया था, आकाश भाई की गाड़ी है ये, तो पूरी 90 डिग्री पे ये गाड़ी उठ गई थी, तो इसमें भी हम ट्राई करेंगे। और क्या उन्हें है ना, तो पावर कार्ड दे रहा गाड़ी, ABS सुपर मोटो बोर्ड में ढालो गाड़ी। एक नंबर। भाई अगर तुम लॉन्च कर लेगा ना तो बहुत देर तक आगे रहेगा। हम ये सब ठीक है ना ये भाई, कार सब अंदर डाल। हाँ सारा ओके है। ओ भाई क्या छींटे मार रही है भाई बाइक। भाई ये 145 पर निकल गया, बट इनिशियल पर स्टिल द KTM इज़ बेस्ट। एंड भाई के पास और एक है द BS3 फकिंग 390। अच्छा इस पर थोड़ा सा हवा, अच्छा एक रनिंग में करते हैं, ठीक है रनिंग पे। तो ठीक है फर्स्ट गियर 20 का स्पीड। ठीक है तो अभी एक रोलिंग रेस करेंगे 20 के स्पीड पर। अरे बढ़िया, क्या ओपिनियन है सरन? ओपिनियन बताओ अपना दोनों बाइक का। ओपिनियन ये है कि रुको बाइक एक्सचेंज करते हैं, एक एक्सचेंज के साथ हो जाए। एक व्हीली मारना तेरा फिर रुक ना। व्हीली वंस मोर। ओ गजब भाई गजब। I
ऑन है, ऑन है। It's only need 5th gear to smoke KTM Duke 390 Gen 3 on this track. What a bawal machine, bhai. What a bawal machine. जब रिकॉर्ड करेगा तब विली नहीं मार पाएगा। वाड़ा मशीन भाई, वाड़ा मशीन। सो गाइस देखा, जैसे मैंने लॉन्च किया तो सेकंड गियर मेरे से मिस हो गया, बट थोड़ा सा दे दो रेस्ट बाइकों को। एंड वाड़ा मशीन भाई, वाड़ा मशीन। नहीं नहीं, स्ट्रेस लोड कम होगा इसका। उसका किस तरीके से ड्रैग रेस हुई, एंड इससे पहले भी हम लोगों ने बहुत ड्रैग रेसेस की थी, बट क्या हुआ कि GoPro में मेमोरी कार्ड पर स्पेस नहीं था, तो जिसके कारण रिकॉर्ड नहीं हो पाई। बट फिर उसके बाद क्लियर होने के बाद रिकॉर्ड हुई, एंड एज यू कैन सी जो इनिशियल पर है स्टिल ड्यूक 390 इज़ द बेस्ट। इनिशियल पर अभी तक 390 को कोई नहीं बीट कर पाया, बट द न्यू मॉन्स्टर हैज़ कम टू द मार्केट, एंड दिस ओनली नीड्स 5th गियर ऑन दिस ट्रैक टू स्मोक दिस 390 ड्यूक 390 थर्ड जनरेशन। व्हाट अ बीस्ट मैन, व्हाट अ बीस्ट। रिकॉर्ड हो गया। गजब भाई, गजब। स्लिप कर गया।
कैसा अभी आप देखें बाइक्स की लाइनअप RR 310 Aprilia RS 457 Duke 390 Ninja 300 एंड दिस इज Bajaj RS 400 आई थिंक। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और RS 457 आकाश भाई की गाड़ी है। सरन तो आता नहीं है मेरे पे। अरे अभी आऊँगा, अभी मास्क पहना। इनके चैनल का नाम है टॉक्सिक राइडर, आपने राइड में देखा होगा स्क्रीन पे लिखा हुआ है इनका। आपको सारे ओनर से मिलाता हूँ, राम भैया निंजा 300, आकाश जामदा से RS 457, और मेरा जो है Duke 390, RR 310, RR 310 के ओनर सरन, यस NS 400 के ओनर। तो आज का ब्लॉग जी यहीं पे एंड करते हैं। काफ़ी मज़े का राइड रहा। फर्स्ट टाइम मैंने अपनी Duke 390 पे व्हीली किया है, मैंने नहीं किया है, आकाश ने किया है, और इससे पहले मैंने अभी तक नहीं किया है। सो अभी काफ़ी ज़्यादा शाम हो गया है। सो आपको कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये सारे बाइक में से सबसे अच्छा साउंड आपको किसका लगा वो भी हमें कमेंट करके बताएं। आज के लिए RS 457 चलाते हैं। क्या बाइक है, एक नंबर RS 457। मस्त है। पावर तो बहुत है। ये तेरा गाड़ी में कोई इशू है क्या भाई? इसमें एक दिक्कत है, मेरा हार्ट टच हो रहा है। लॉन्च करो तो लॉन्च करने बोल रहा है। सर लॉन्च करो ना एक बार, इसके साथ ड्रेक कर दो मेरा।